और जैसे पिता मैंने तरकस में से तीर खींच कर जो छाती बतानो, अब चारों लंग नजर करी अर्जुन को पता ही नहीं। जब अर्जुन नहीं दिखो और अकेले भगवान खड़े तो निशाना लग गया था छाती पे। जाए तो मैं चाहती हूं कि तुम मारो। उसी समय पारत भाज के आए, दोनों पैर पकड़े कन्हैया, अभी नहीं, अभी तो मैं जिंदा हूं प्रभु, तुम अपना प्रण तोड़ रहे हो। भीष्म ने की पारत, प्रण तो टूट गया। फिर रथ को तैयार किया, और जब रथ को तैयार किया, भगवान कृष्ण रथ पर सवार हुए। अब की बात, जब घुमा के लाए थे रथ को, सूरज ढल चुका था। अर्जुन के आगे शिखंडी खड़ी, शिखंडी, और जो शिखंडी पर नजर पड़ी, गंगा पुत्र भीष्म ने हथियार रख, जो हथियार रखे कन्हैया के इशारे पर 110 बाण मारे हैं अर्जुन ने। 110 बाणों की सैया बना दी, धरती पर गिर गए थे गंगा पुत्र भीष्म। एक बात जीवन में ध्यान रखना, इच्छा मृत्यु के वरदानी थे, चाहेंगे तो मरेंगे और नहीं चाहेंगे तो नहीं मरेंगे। लेकिन इच्छा मृत्यु का वरदानी एक और था, वो कौन था? वो था पक्षीराज जटायु, जो रावण से लड़ गया था, वो भी इच्छा मृत्यु का वरदानी था। लेकिन अंतर कितना रहा कि द्रौपदी की लाज खिंचती रही और गंगा पुत्र भीष्म गर्दन डाले बैठे रहे। उसका परिणाम यह रहा कि 58 दिन तीरों की सेज पर सोना पड़ा। और एक वो इच्छा मृत्यु का वरदानी था जो सीता मैया की रक्षा के लिए और रावण जैसे वीर का सामना कर गया, तो बाकी मृत्यु भई तो राम की गोद में, और दाह संस्कार किया तो राम, राम ने यह मिला उसे और इन्हें मिली बाणन की सेज। तो जीवन में ध्यान रखना, अगर किसी की रक्षा कर सकते हो तो रक्षा कर देना, और न कर पाओ तो कभी खड़े होकर के देखना, नहीं देखना चाहिए। चलो सभी प्रेम से एक ताली बजाते हुए भगवान के नाम का भजन बोलें।